सोचो बार बार सोचो, तुम उसको बुला रहे हो ठीक है, हे अक्षय सुनो, ये व्हाट द फक मैन, सीधा सही है, सही है, सही है। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। रियल था ना, कुछ ऐसा फेक वगैरह तो नहीं था? इट्स ऑल रियल, वी कांट इमेजिन। हाँ सोचो बार बार सोचो, ज़ेब्रा सही था, सही है। आप लोगों ने माइंड रीडिंग के बारे में किस किस ने सुना है सब में से? जिसे ब्लैक मैजिक भी बोला जाता है, तो लोग ये सब बातों पर भरोसा करते हैं। तो क्या हमारे कॉलेज एलपी यूनिवर्सिटी में ये पॉसिबल है? कॉलेज में क्या हो रहा है, फ्रेशर्स आते जा रहे हैं तो एक से बढ़कर एक टैलेंट लेते आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो आज का वीडियो पूरा एकदम डिफरेंट होने वाला है, बहुत स्पेशल होने वाला है। ऐसा वीडियो मेरे चैनल पे अभी तक अपलोड नहीं हुआ। तो कॉलेज में क्या हो रहा है, फ्रेशर्स आते जा रहे हैं तो एक से बढ़कर एक टैलेंट लेते आ रहे हैं। तो आज का वीडियो ना एकदम सुहानी सा से रिलेटेड होने वाला है। जैसा वीडियो वो बनाती है वैसा ही वीडियो हम आपको आज दिखाने वाले हैं। लेकिन उनका शो आपको देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है, लेकिन आज का शो हम आपको फ्री में दिखाएंगे, एक पैसे आपके नहीं लगने वाले। तो क्या आप भी अंधविश्वास पर भरोसा करते हो? किसी का मन पढ़ लेना, जिसे ब्लैक मैजिक भी बोला जाता है, तो लोग ये सब बातों पर भरोसा करते हैं। तो क्या हमारे कॉलेज एलपी यूनिवर्सिटी में ये पॉसिबल है? तो आज की वीडियो हम आपको वही दिखाने वाले हैं। तो आज आपको हम ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जो कि माइंड रीड और मेंटलिज्म करते हैं अपने ही कॉलेज एलपी यूनिवर्सिटी में। आ जाओ भाई, क्या नाम है, अपने बारे में पहले बता दो। हेलो, मेरा नाम धीरज है और मैं एनसीए एएमएल का स्टूडेंट हूँ, जो कि मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ अभी। और देखते हैं, अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं, आपको बस करके दिखाते हैं क्या ये चीजें पॉसिबल होती हैं या फिर बस कहने की बात है। तो चलो किसी रैंडम को ढूंढते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं, लास्ट में आपसे बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। भाई हमारा माइंड रीड करने वाला है, तो देखते हैं सही होता है कि नहीं। चलो भाई अब तुम्हारा स्टार्ट करो। आप लोगों ने माइंड रीडिंग के बारे में किस किस ने सुना है सब में से? पहले सुना था। आप लोगों में से सुना? कौन सा कोर्स आप थोड़ा बता सकते? लॉ डिपार्टमेंट BLLB। ओके, तो अभी माइंड रीड करने वाले हैं ऐसे ही रैंडम ऑडियंस से, मतलब कुछ भी पूछते हैं, मतलब कर पाता हूँ कि नहीं देखते हैं। ठीक है, किस पे करूँ? आप पे करता हूँ। ठीक है। क्या मतलब क्या करूँ? कंट्री का नाम सोचोगे, कुछ भी सोचोगे या फिर किसी दोस्त का नाम सोचने वाले? ऐसा तो नहीं ना दोस्त जो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत? भी मैं नहीं जानता ना उसको, कैसे भी जानता हूँ नहीं जानता। ठीक है, सोचो अभी हाइट कितनी है उसकी, मतलब कितनी होगी, कितनी बताना कुछ नहीं। ओके ठीक है, अभी देखो वो तुम्हारे पास आ रहा है थोड़ा चल के, या फिर तुम उसको बुला रहे हो जा रहा है दूर, तुम उसको कॉल कर रहे हो नाम लेके, हे टेस्ट टेस्ट, मतलब जो भी है, मतलब देखो मेरी तरफ ऐसे करके कुछ भी नाम बोल रहे हो, ओए सुन ऐसे करके बोलते हैं ना वो चीज़, तो उसको नाम बोलना है बस मन में, फूट नहीं हिलना चाहिए, कुछ भी बोलो जोर से बोलना मन में, केवल फूट नहीं हिलना चाहिए, मन में बोलना जोर जोर से। ठीक है, मेरे को पता है वो नाम, नहीं पता ना अभी पता। हमारी बात भी नहीं हुई कि मतलब ऐसे कि तुमने मेरे को कभी नाम बताया उसका, यहाँ से तो नहीं है, यूनिवर्सिटी से तो नहीं है वो लड़का। ठीक है, तो मतलब गैस करना है मेरे को। ठीक है, हाथ दो अपना, उसके बारे में बस ढीला छोड़ दो, बस उसका नाम सोचना है मन में। ठीक है, अच्छे से जो भी है उसका पहला अल्फ़ाबेट पर फोकस करना है बस, जो भी है। मैं ऐसे अभी एग्जैक्ट नहीं बता रहा, बस ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, ABCDEF ABCDEF। ठीक है, सेकंड अल्फाबेट जो भी है फोकस करो। ठीक है, आप ठीक है थर्ड पे करना है, ऐसे करो, जो थर्ड अल्फाबेट है ना बस वही सोचना है मन में, जो थर्ड अल्फाबेट है उसका, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTW वगैरह तो नहीं आएगा इतना, मेरे को पता है कॉमन ही होगा कुछ, कॉमन नहीं लग रहा मेरे को, जैसा भी है थोड़ा टफ ही है अभी, है ना। हाँ। ऐसा हर कोई नाम नहीं होता, कॉमन नेम नहीं है वो, कॉमन नेम नहीं है। हाँ बस सोचना है मन में, लेकिन वो नाम कई लोगों ने सुन भी रखा है ऐसा मेरे को लग रहा है, अभी एग्जैक्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो नाम ऐसा कुछ है जैसे कुछ सेलिब्रिटी वगैरह ऐसा कुछ नाम लग रहा है मेरे को, अभी पता नहीं कुछ एग्जैक्ट हूँ या नहीं। ठीक है, बस मन में सोचना है उसका, फोकस करते रहना है, स्माइल आ गई मतलब सही जा रहा हूँ मैं कंट्रोल। ठीक है, उसका नाम, अभी भीड़ है बहुत सारी, तुम उसको बुला रहे हो। ठीक है, हे अक्षय सुनो, ये व्हाट द फक मैन, सीधा सही है, सही है, सही बताया भाई, सही बताया था यार, क्या बोल रहे हो? अक्षय नाम था उसका, सही था। कैसा लगा? बिना टिकट का आपको इतना मजा आने वाला है, देखो यार सही बताए थे तो नाम।
भाई तुम कहाँ से पढ़ाई लिखाई में क्यों आ गए, इसमें जाना था ना। वो हम बाद में बात करने वाले शूट कर लेते हैं। तो मतलब कुछ अंदाजा या फिर कुछ बताया हो या फिर हमने कभी बातें की हो कि ऐसे अक्षय मेरा दोस्त है या फिर ऐसा कुछ भी, किसी को पता था? यहाँ नहीं, किसी को पता नहीं, वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड था छोटे से। हार्ट बीट कैसी चल रही है? सही चल रही है, सही है। कहाँ का था वो? बेस्ट कॉलेज कॉलेज नहीं है वो, तो आंध्रा का था। अच्छा वो यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं, आंध्रा में ही है। आंध्रा में ही है, इसको पता नहीं वो कौन है। ठीक था ना जो भी था? अरे यार ठीक है, तो और किसी पे करते हैं? मजा आया यार। इनका मूड कैसे साइड है? चलो आप ट्राई करते हैं, कैमरामैन आप ट्राई करते हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ठीक, और मुझे भरोसा नहीं हुआ तो दूसरे में देखो राजा को ही भेज रहा है, राजा का देखते हैं सक्सेसफुल होता है। चलो स्टार्ट अभी। ठीक है, ये हमारे कैमरा मैन है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे थे लेकिन अब आ गए। हाँ आ नहीं रहे थे, डर रहे थे पता नहीं क्यों। ठीक है, तो आप क्या सोचने वाले? कोई भी एनिमल नेम सोच सकते हो, कुछ भी कैसा भी। ठीक है, सोचना है कैसा दिखता है वो, उसकी शेप सोचनी है बस मन में। सोचो फिर से, वो चल चल के आ रहा है, वो भाग रहा है, भागता हुआ कैसा लगता है? सोचना है बस मन में कैसा लगता है, मतलब धीरे भागता है। कुछ होते हैं जो पेट पे रहने वाले हैं वो नहीं भाग पाते इतना तेज, कुछ होते हैं जो भागने वाले होते हैं या फिर कुछ ऐसे होते हैं नॉर्मल। तो सोचना है मतलब कैसा है वो अभी, केवल उसमें कलर्स बढ़ने हैं, वो अभी बिना कलर का है, एक वाइट स्क्रीन पे बार बार पॉपअप हो रहा है। ठीक है, उसमें कलर्स नहीं है कुछ भी एनिमल में, उसमें कलर्स बढ़ने हैं और मैं तुम्हें 6 कलर्स दे रहा हूँ, तो उनमें से तुम कितने चूज़ करोगे मेरे को बताना है। ठीक है, 3 कलर्स उठाए, 2 कलर्स उठाए, चलो मेरे को वो भी मत बताना है। ठीक है, बस कलर्स उठाने तुम्हें, जो भी उसमें बढ़ सको। तुम 2 भी उठा सकते हो, 3 भी उठा सकते हो, 1 भी उठा सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हें उसमें से कलर्स पिक करने हैं। कर लिए पिक? मेरे हिसाब से तुमने 2 कलर्स उठाए उसमें से। अभी बस सोचना है क्या एनिमल है वो, उसकी इमेज सोचो, छोटा है बड़ा है, बस मन में सोचना है कैसा है वो। सोचो बार बार, सोचो, उसमें कलर्स भर रहे हो, कलर्स भी दोनों हैं बराबर से हैं, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत होगा लेकिन हैं बराबर ही। उसकी इमेज सोचनी, मतलब कितना बड़ा है हाइट में वो सोचना है अभी। कुछ छोटे होते हैं चलने वाले जैसे मंकी वगैरह, डॉग वगैरह हो गए, कुछ बड़े होते हैं जैसे एलिफेंट वगैरह हो गए, है ना। हाँ सोचना है, वो तेज दौड़ सकता है क्योंकि हाथी नहीं दौड़ सकता एलिफेंट, लेकिन तुम्हारा वाला तेज दौड़ भी सकता है। वेजिटेरियन है, मैं बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा। ठीक है, वो वेजिटेरियन है और ठीक है, बस उसका नाम सोचना है। पहले लेटर पर फोकस करो, पहले पे हाथ मिलाओ, पहले पे फोकस करना है, बस अल्फ़ाबेट पे जिसका है, दूसरे पे, तीसरे पे, फोर्थ पे, आर, ज़ेब्रा। सही था? सही है, रिएक्शन नहीं दे रहे। सही है, सही था भाई। अब हमको भी मन कर रहा करवाने का, आप लोगों को करवाना है? जिनको भी करवाना है मतलब फिर बताई देंगे, मतलब इंटरव्यू में क्या प्रोसेस रहेगा, कैसा रहेगा, कैसे मिल सकते हो, कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ तो देखो जितने ऑडियंस थे ना हमारे, अब उनका रिव्यू ले लेते हैं कि कैसा उनको लगा। भाई मेरे को तो नहीं भरोसा हो रहा है, क्योंकि मेरा जब होगा तो मुझे भरोसा होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आपसे फिलहाल पूछते हैं कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। रियल था ना, कुछ ऐसा फेक वगैरह तो नहीं था? हाँ वही हमें भी नहीं लग रहा था भाई ऐसा। एक सुहानी सा का वीडियो आपने देखा होगा, मैंने उन्हीं का वीडियो देखा था, तो वो ऐसे करती है, तो मैं रियल पहली बार देखा तो मैं भी भाई सॉफ्ट हो गया। सभी यहीं पे थी, बैठी हुई थी, हमें बुला के लाए थे आपको, है ना, जानते थे इनका। तो क्या क्या चल रहा था अभी? क्लास चल रहा था ना? क्लास चल रही है ऑनलाइन, और इन्होंने बुलाया तो हमारे मटेरियल क्लास चल रहा था, मैं बोला कि आ जाओ ऑडियंस बन जाते हैं, क्योंकि 2 लोग करेंगे तो मजा नहीं आएगा, 4-5 रहेंगे तो ओरिजिनल लगेगा, इसलिए बुलाया और देख के कसम से मजा आ गया। आपका कौन सा कोर्स है? नेक्स्ट टाइम के लिए हम आपको मैसेज कर देंगे, भाई को बुलाएंगे फिर से, एक और वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। हाँ कुछ एक्स्ट्रा आइडिया वगैरह दे देंगे, अगर आपको भी माइंड रिकॉर्ड या फिर ऐसा कुछ करवाना है तो बस मैसेज कर देना है, टाइम लोकेशन दे देंगे, आप आ जाना, फिर आपका भी करेंगे अच्छे से। तो वीडियो तो आपने देख लिया, बहुत मजा आया होगा, पहली बार ऐसा एलपी में आपने वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो भाई से पूछते हैं, भाई कहाँ से हो? मैं मथुरा वृंदावन से हूँ, उसी के पास छोटा सा गाँव है उससे हूँ। अच्छा, कहाँ से इंटरेस्ट आया ये सब करने का? मतलब पहले थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था साइकोलॉजी में, फिर बीच में चला गया, फिर ये सब चीजें देखी, फिर मुझे लगा कि हाँ इम्पॉसिबल तो कुछ होता नहीं है, ट्राई करते हैं, सीखते हैं। अच्छा,
तो फिर ऐसे इंटरेस्ट आता गया, फिर बुक्स वगैरह पढ़ता रहा तो वहीं से सीखा। शीशे बुक्स से ही? हाँ। अच्छा, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे बुक्स आ गए। अगर आपको सीखना है तो बुक्स पढ़ना पड़ेगा भाई, इसमें भी पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसे तंत्र विद्या बोल के कुछ नहीं होता है, पढ़ाई करना पड़ेगा इसमें भी सिंपली। ये पहले भी माइंड ट्रिक परफॉर्मेंस कहीं किया अभी तक या फिर पहला? हाँ, मैंने पिछली जो यूनिवर्सिटी थी मेरी GLA यूनिवर्सिटी, उसमें मैंने परफॉर्म भी किया है IIT मेला में। अच्छा, GLA से वो किया है। वहाँ पे क्या BCA BBA? BCA। यहाँ से MCA? हाँ। तो भाई हमारा MCA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है अपने कॉलेज LPU में। और आप में से बहुत से लड़कों को पता होगा ना, मेरे कॉलेज LPU में मेरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अधीरा। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन से ना हम एक इवेंट कराने वाले हैं। उसमें होगा सिंपल कि बहुत सारे अपने कॉलेज में फ्रेशर्स आए तो उनके अंदर टैलेंट भी बहुत है, जैसे आपने एक तो देख ही लिया, ऐसे टैलेंट और भी बच्चे लेकर आए। तो हम ये जो शो कराएंगे, इसमें करना ये है कि जितने भी फ्रेशर्स है या फिर कॉलेज के सीनियर है वो पार्टिसिपेट करेंगे और अपना टैलेंट को शो करेंगे। और जिनका टैलेंट हमें सबसे अच्छा लगेगा उसको हम फर्स्ट प्राइज या सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज, ये तीन प्राइज भी देंगे। और इवेंट की अगर हम एंट्री फी की बात करें तो वो हम 50 या फिर 99 रखेंगे भाई। इसलिए रखेंगे कि बच्चे बहुत आ जाएंगे ऐसे ही मजाक करने के लिए। तो फ्री भी हम करवा सकते थे लेकिन सोचा एक छोटा सा रख देते हैं एंट्री फी 49 या फिर 99। इससे क्या होगा कि फिल्टर हो जाएंगे बच्चे, मजाक करने वाले नहीं आएंगे। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, अगर आपको भाई से कॉन्टेक्ट करना है ना तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने भाई का इंस्टाग्राम ID दे दिया, आप वहाँ पे भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और इंस्टाग्राम ID भी देखो अभी स्क्रीन पे आपको कहीं दिख रहा होगा। तो बस वीडियो कहीं खत्म करते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।